नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया, इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता चल रहा है हिंदुस्तान में, और जो भी चू करता है ना उसको अमित शाह सीबीआई ईडी ये डरा के चुप करा देता है। हजारों करोड़ रुपए ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से आपसे लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता लेते हैं जहां भी इनको सरकार तोड़नी होती है। एक तरफ अमित शाह खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ अदानी खड़ा हो जाता है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाता है, और फिर इनका काम दो मिनट में शुरू हो जाता है। आपके जेब में से पैसा निकाल कर पूना वाला सीधा बीजेपी को दे रहा है, सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था। आपको आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिट किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है, आपको याद है कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया, ठीक है। अब निकलता क्या है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देती है, करेक्ट। कैसे देती है मैं आपको बताता हूं, चार तरीके हैं। सबसे पहले कोई कंपनी है उस पर सरकार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा देती है, ठीक है। दो तीन महीने बाद बीजेपी को वो डोनेशन देते हैं, और डोनेशन देने के एकदम बाद सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की इंक्वायरी ठंडी हो जाती है। तो यह हुआ एक्सटॉर्शन। दूसरा तरीका, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं सड़क के, पुल के, अलग अलग देश में डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले एक दो महीना पहले वही कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में खड़ी है वो पैसा देती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मतलब डेट को देखना है। एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी होती है, उसके एकदम बाद कंपनी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पैसा देती है और फिर सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का समय आता है उससे एकदम पहले वही कंपनी पैसा देती है और कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है। यह हुआ दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी कंपनी को और कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिया जाता है। और चौथा तरीका, शेल कंपनी बना रखी है, खोखली कंपनियां बना रखी है, उस कंपनी में से बीजेपी का अपना ही पैसा बीजेपी के हवाले हो जाता है। हजारों करोड़ रुपए ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से आपसे लिए। 50 लाख कम से कम कोविड में मरे हैं, और जब कोविड हिंदुस्तान में लाशों की ढेर बना रहा था तो वैक्सीन वाली कंपनी नरेंद्र मोदी को पैसा दे रहा था। एक तरफ आपकी लाशें, दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी, क्या नाम था उसका, सीरम इंस्टीट्यूट सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था।
नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे भैया थाली बजाओ, फोन जलाओ, आप थाली बजा रहे हो, आप फोन जला रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकाल कर पूना वाला सीधा बीजेपी को दे रहा है। कोविड में आपसे चोरी की, कोविड में कोवैक्सीन वैक्सीन से, सड़क से, डिफेंस इंडस्ट्री से लिस्ट निकली है भाई और बहनों, कंपनी की लिस्टें देख लो। हफ्ता लेता है, इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता चल रहा है हिंदुस्तान में, और जो भी चू करता है ना उसको अमित शाह सीबीआई ईडी ये डरा के चुप करा देता है। यहां पे आप, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे शिवसेना को एनसीपी को तोड़ा कैसे ये? हाँ, मगर कैसे ये? क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिट किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता लेते हैं और फिर महाराष्ट्र की सरकार तोड़ते हैं, गोवा की सरकार तोड़ते हैं, मणिपुर की सरकार तोड़ते हैं, अरुणाचल की तोड़ते हैं, ऐसा जहां भी इनको सरकार तोड़नी होती है, एक तरफ अमित शाह खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ अदानी खड़ा हो जाता है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाता है, और फिर इनका काम 2 मिनट में शुरू हो जाता है।